भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल कश्मकश भरे चुनाव में कांग्रेस के महेश परमार पर 736 वोटों से जीत हासिल कर उज्जैन के नए महापौर बन गए हैं। हालांकि उनकी जीत पर कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाते हुए रीटोटलिंग की मांग की। मतगणना स्थल पर जमकर हंगामा भी हुआ। लेकिन अंत में जीत मुकेश टटवाल के खाते में ही आई। वार्डों के चुनाव में भाजपा ने अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखा है। उसके 37 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के 17 उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज इस चुनाव में बुरी तरीके से हारे हैं। इसमें वार्ड 7 से ललित अनंत नारायण मीणा, वार्ड 16 से हर्षवर्धन आजाद यादव, वार्ड 35 से अशोक उदयवाल, वार्ड 51 से दीपिका बीनू कुशवाहा, वार्ड 53 से दीपिका सुरेंद्र मर्मट और वार्ड 54 से रेखा कमल चौहान की हार चौंकाने वाली रही। महापौर पद पर हुई हार के बाद कांग्रेसियों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में जमकर हंगामा किया और धरने पर भी बैठे। मैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 21 का जो पीठासीन अधिकारी थे उनकी 54 वार्ड में अलग अलग पोलिंग बूथों पे जो उन्होंने आंकड़े दिए उस आंकड़े से मैं जीता हूँ चुनाव। तो वो भी मैं जीता हूँ तो 455 वोट से। तो इनको क्या तकलीफ है, काउंटिंग करा दे, पुनः मतगणना करा दे, क्या तकलीफ है, लग रही जीते ही हैं। कलेक्टर साहब भाग रहे हैं, डर रहे हैं बात करने से, आपने देखा वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यही मेरा, जब आपके पीठासीन अधिकारी ने आपके 21 का सरकारी फॉर्म हमें दिए उसी आधार पर मैं जीता हूँ, तो उनकी काउंटिंग कराने रिकाउंटिंग कराने में आपको कष्ट क्या है। अगर आप जीते दूसरी बार जीत जाओगे, एक बार जीते तो क्या तकलीफ है आपको। मैंने समय सीमा पर महापौर पद का उम्मीदवार हूँ, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ और 400-500 वोटों का ये अंतर बता रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, क्यों भाग रहे हो आप। कलेक्टर साहब वहाँ मुख्यमंत्री जी फोन कर रहे हो, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं जीता हूँ चुनाव, न्यायालय जाएंगे, आमरण अनशन करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कलेक्टर ने बोला है कि मैं अभी जो 21 खप हाँ मैं 54 वार्ड की उसकी काउंटिंग करा दूंगा, और उसमें तुराई की त्रुटि ऊंचा नीचा होगा तो मैं रिकाउंटिंग कराऊंगा। जबकि निर्वाचन की प्रक्रिया अभी 15 मिनट के अंदर लिख के दिए, आप कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं आप लोगों से, पत्रकार साथियों से उम्मीद है, जनता से उम्मीद है, फिर क्या करेंगे आप लोग। चौथा स्तंभ है, आप लोग, आपसे उम्मीद है, क्या आगे कदम रहेगा, आगे आप लड़ ही रहे हैं, आपके सामने ही कदम रहेगा, आप सड़क पर आगे लड़ेंगे, न्यायालय में जाएंगे, धरने करेंगे, अब क्या करेंगे। आप देख रहे हैं जीते हुए आदमी को हरा रहे हैं, हरे हुए आदमी को जिता रहे हैं, ये इनका कलेक्टर का ये सरकार है भाजपा की, ये सर देख रहे हैं आप खुद। इंजीनियरिंग कॉलेज में नगर निगम उज्जैन के लिए मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। शुरुआत में पोस्टल बैलेट गिने गए, इसमें कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार पिछड़ गए। हालांकि ईवीएम से गिनती शुरू होते ही उन्होंने बढ़त बनानी शुरू कर दी। एक समय में उनकी लीड अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन बाद में वो पिछड़ते चले गए। अंतिम 3 राउंड में एक बार परमार ने फिर से वापसी की और 3000 की लीड को कम करके 736 पर सिमट गए। इसके बाद भाजपा में जश्न का माहौल शुरू हो गया और विजय का उल्लास छा गया। हालांकि इसके तत्काल बाद कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया और वो धरने पर बैठ गए। महेश परमार ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए रीकाउंटिंग की मांग की, लेकिन कलेक्टर ने रीकाउंटिंग की जगह रीटोटलिंग करने पर जोर दिया। इस बीच भाजपाइयों ने जीत का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हंगामा कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशी ने धांधली की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को दी। इसके बाद वो उज्जैन के लिए रवाना हो गए हैं।
फिलहाल इंजीनियरिंग कॉलेज में कांग्रेसी धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि भाजपाई हंगामा कर रहे हैं। हंगामे की वजह से पार्षदों के चुनाव परिणाम तक घोषित नहीं किए जा सके। वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मोहन लाल गिरजे की 3 वोटों और वार्ड 16 में हर्षवर्धन आजाद यादव की 10 वोटों की हार ने सबको चौंका दिया। इन दोनों वार्डों की हार पर कांग्रेस नेताओं ने भी आपत्ति ली। देर शाम तक विवाद के कारण प्रशासन पार्षद चुनाव के फाइनल परिणाम की घोषणा नहीं कर सका था। भाजपा ने 37 वार्ड जीतने का दावा किया है। इसमें वार्ड नंबर बीजेपी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45 वार्डों में जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 1, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 45 और 52 वार्ड में जीत हासिल की है। कांग्रेस के कई दिग्गजों की हार ने जमकर चौंकाया। इसमें वार्ड 7 से ललित अनंत नारायण मीना, वार्ड 16 से आजाद यादव के पुत्र हर्षवर्धन आजाद यादव, वार्ड 39 से जितेंद्र तिलकर, वार्ड 51 से दीपिका बीनू कुशवाहा, 55 से दीपिका सुरेंद्र मर्मट और 54 से रेखा कमल चौहान की हार रही। इस चुनाव में पहली बार मैदान संभालने वाले कई प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर चौंकाया है। इसमें वार्ड नंबर 1 की निकिता मालवीय, वार्ड 16 से राजेश बाथम, वार्ड 21 से अर्पित दुबे, वार्ड 35 से संग्राम सिंह भाटिया, वार्ड 38 से अनिल गुप्ता, वार्ड 37 से सुरेंद्र मेहर, वार्ड नंबर 39 से जितेंद्र कुवाल, वार्ड 42 से अंजलि बालकृष्ण पटेल, वार्ड 43 से सुरभि चावंड, वार्ड 44 से नीलम कालरा, वार्ड 47 से दिव्या गोपाल बलवानी, वार्ड 48 से अंशु गोपाल अग्रवाल, वार्ड 49 से आभा कुशवाहा, वार्ड 51 से आशिमा सेंगर, वार्ड 52 से सुरेखा राजेंद्र वशिष्ठ ने जीत हासिल की। पहली बार चुनाव परिणाम को लेकर प्रशासन का तालमेल बिखरा बिखरा दिखा। अमूमन दोपहर तक आ जाने वाले पार्षद पदों के परिणामों को घोषित करने में रात के 7:30 बजा दिए गए। उसके बाद भी सही रिजल्ट जानने को लोग परेशान होते रहे। वार्ड 10 से जीते भाजपा के प्रत्याशी योगेश उर्फ गब्बर भाटी ने जेसीबी पर बैठकर जुलूस निकाल दिया। वो जेसीबी को लेकर मतगणना स्थल पहुंच गए। जैसे ही दोपहर में उनकी जीत की घोषणा हुई, उनके समर्थकों ने उन्हें जेसीबी पर बैठा लिया और पूरे शहर में जुलूस निकाला। भाजपा की जीत का ताना बाना कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने बुना। उज्जैन दक्षिण विधानसभा में आने वाले 22 सीटों में से 20 पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया है, जबकि उज्जैन उत्तर की 34 सीटों में से 17 बीजेपी जीती। इसमें कई वार्ड ऐसे थे जहां पहली बार भाजपा का खाता खुला है। इसमें वार्ड नंबर 39 और 47 प्रमुख है। वार्ड 39 में जितेंद्र तिलकर और वार्ड 47 में जय सिंह दरबार और उनका परिवार ही जीतता रहा है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के कोटे से 22 टिकट दिए गए थे, इसमें से 20 प्रत्याशी जीते हैं। भाजपा की बंपर जीत के बाद अब सबकी निगाह निगम सभापति पद पर रहेगी। चूंकि परिषद पर भाजपा का कब्जा है, ऐसे में कलावती यादव और शिवेंद्र तिवारी में से कोई एक निगम सभापति बन सकता है। कलावती यादव 4 की पार्षद है, जबकि शिवेंद्र तिवारी 3री बार के। चूंकि महापौर पारस जैन, जगदीश अग्रवाल, अनिल जैन कालूखेड़ा गुट से है, ऐसे में निगम सभापति पद पर कलावती यादव की दावेदारी पुख्ता है। लेकिन परिवारवाद की आड़ लेकर यादव को रोका जा सकता है, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की बहन भी है।